नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग तरीके के डांसों की। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे डांसेस हैं जो फेमस हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा भारतीय डांसेस के बारे में। तो मैंने जो पिक किए हैं वो भारत के कुछ 7 डांसेस पिक किए हैं, तो आइए जानते हैं उन 7 डांसेस के बारे में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले डांस की तरफ, जो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस साउथ इंडिया का फेमस डांस है, मशहूर डांस है। आंध्र प्रदेश राज्य का ये मशहूर डांस। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कृष्णा जिला, जो डिस्ट्रिक्ट है वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें एक जगह है कुचिपुड़ी गांव। उस गांव के नाम पे इस डांस का नाम रखा गया था। मेनली ये डांस जेंट्स लोग किया करते थे, उस ज़माने में जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग किया करते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले डांस की तरफ। अगला डांस है मोहिनीअट्टम डांस। ये केरला का फेमस डांस है। केरला के 2 क्लासिकल डांस एक्चुअल में फेमस है, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम डांस। मोहिनीअट्टम डांस, इसका जो नाम मोहिनीअट्टम पड़ा है वो हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु के नाम पर पड़ा है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी का एक रूप धारण किया था बुरी ताकतों पर, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डांस की तरफ, जो है कथकली डांस। जी हाँ, ये केरला का 2nd क्लासिकल फेमस डांस है। केरला में तो फेमस यही है, पूरे भारत में बहुत अच्छे से फेमस है, और इसमें किंग की जो स्टोरी है उस स्टोरी को प्ले किया जाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, और इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन है दोज एक्सप्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें जो मास्क है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल मास्क इसमें यूज़ होते हैं, फेशियल मास्क। और ये जो डांस है, ये डांस 17th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने बेहतरीन खूबसूरत डांस की तरफ। जो अगला डांस है वह है मणिपुरी डांस। जैसे कि अदर डांस, कुछ डांस हैं जिनको उनके जन्म स्थल के नाम पे रखा जाता है, जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, ठीक उसी प्रकार इसका नाम भी ऐसे ही रखा गया। मणिपुर एक जगह है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया मणिपुरी डांस। मेनली जो ये डांस है वो श्री कृष्ण और राधा की जो लव स्टोरी थी उसको प्रेजेंट करता है, और ये डांस सभी डांसों से सबसे अलग है, सबसे हट के ये डांस है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले डांस की तरफ, जो है उड़ीसी डांस। भारत में एक राज्य है उड़ीसा, जिसको हम पहले उड़ीसी बोला करते थे, उसी के नाम पर इस डांस का नाम रखा गया उड़ीसी डांस। इस डांस का जो जन्म हुआ वो दासियों के, जो पहले जो दासियां डांस किया करती थी उनके डांस से इस डांस का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। और आज भी इस डांस की जो कलाकृतियाँ हैं, जो पिक्चराइज किया गया है इसको, आज भी हिंदू मंदिरों में उड़ीसा के इस डांस को आप देख सकते हैं, पिक्चराइज किया गया है टाइल्स पर। और ये सभी पुराने क्लासिकल डांसों में से निकलौता डांस लाइव है। तो दोस्तों पहुंच गए हम आज के अपने 2nd लास्ट डांस पर, जो है कथक डांस। कथक डांस राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, बहुत ही पुराना डांस है, प्राचीन समय से पहले से चला आ रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस डांस का जो एक्सप्लेनेशन है, जो विवरण दिया गया है वो महाभारत में भी दिया गया है, इसलिए बहुत पुराना डांस है। मेनली इस डांस यानी कथक का मतलब है कथा, कथा यानी स्टोरी, एक स्टोरी को एक्सप्लेन करना थिरकते हुए बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। मतलब इसमें क्या होता है, कथा होती है जिसको, स्टोरी होती है जिसको एक्सप्लेन किया जाता है बॉडी के थ्रू थिरकते हुए। तो दोस्तों वक्त आ गया है अपने आखिरी डांस का, जो है भरतनाट्यम डांस, जिसको हम सुधीरअट्टम डांस भी कहते हैं। सुधीरअट्टम डांस इसका ही दूसरा नाम है। ये जो डांस है ये साउथ इंडिया का फेमस डांस है। तमिलनाडु में दासियां इस पर प्रैक्टिस किया करती थी, और आज भी इसमें महिलाएं जो लेडीज़ हैं वो इस डांस को किया करती हैं। बहुत ही पुराने डांसों में से एक क्लासिकल डांस है। और इस डांस में जैसे कि भरतनाट्यम में 3 कलाएं इंक्लूड हैं, 3 आर्ट इंक्लूड हैं। पहला है भा यानी भावम, दूसरा है रा यानी रागम, और तीसरा है ता यानी तालम। तो भावम से भाव यानी एक्सप्रेशन, रागम से राग, और तालम से यानी ताल।
तो इन तीन चीज़ों का समावेश है इसमें, कॉम्बिनेशन है इस डांस में। इंडिया का बहुत ही फेमस डांस है भरतनाट्यम डांस, महिलाएं मेनली इस डांस को किया करती हैं। तो ये थे आज के 7 इंडिया के फेमस डांसेस।